नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद, अब देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज। आज बिहार के नव शिक्षा मंत्री ने विभाग में पदभार ग्रहण किया और साथ ही पदभार ग्रहण करते उन्होंने विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर कई घोटालों के आरोप लग रहे हैं और आइयो मैं आपको सुनाता हूँ वीडियो जिन्होंने सारी बातें कही है। कितने बच्चे 15 साल पहले बाहर रहते थे और कितने साल और कितने बच्चे आज बाहर रह रहे हैं। दूसरा, हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन तब होती है जब हमारे पास क्वालिटी और जो भी टीचर हो उनका भी नॉलेज अपग्रेडेशन किया जाए। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ज्ञान हमेशा होनी चाहिए। उसी स्थिति में जितने भी हमारे विभाग के द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोले गए हैं, उस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को अगर जरूरत होगी तो री ओरिएंटेशन करने की, तो हम लोग हमारे ऑफिसर के साथ बैठ कर हम लोग इस पर बातें करेंगे और बात करने के बाद अगर सिलेबलाइन में कोई अगर कोई चेंजेस करनी है या अगर हम लोग फील कि इसकी अपग्रेडेशन की जरूरत है वो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरा, मेरा विचार सुनिएगा। जो हम अभी ये विचार अपने ऑफिसर्स के साथ बात करके हम माननीय मुख्यमंत्री खत्म हो जाए, ढूंढ लीजिएगा, हमने सोचा है खत्म हो नहीं, ढूंढ लीजिएगा। व्हाई नॉट वी शुड ट्राई टू स्टार्ट द कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम, किसी का नहीं दिख रहा है, और वैसा एजुकेशन प्रोग्राम जो सेल्फ जनरेटिंग प्रोग्राम होगा, सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम होगा। समझिएगा बारीकी की का, हम कह रहे हैं कि हम लोग इस तरह का एक कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जो सेल्फ जनरेटिंग एंड सेल्फ लर्निंग हो। बच्चों में आप गांव के रहने वाले हैं, आजकल बच्चे आपस में यू नो क्विज का एग्जामिनेशन देता है और जो नॉलेज ठीक है सर, ओके, चलिए चलिए, हाँ ठीक है सुनिए, हाँ ना ठीक है सर, ठीक है, अभी रुके ना, ठीक है ना, बोलना है कुछ बोल सर, मेरा एक मैसेज सबको जरूर कम्युनिकेट कीजिएगा। हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं, सुन लीजिए भाई, हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं। हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के हैं, बड़े सकारात्मक सोच के हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सरकार की तरफ से जितना भी एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू सब चीज के लिए तैयार हैं और हम आपको मंत्री के नाते विश्वास दिलाते हैं ऐसा कोई भी पत्थर नहीं है जिसको हम लोग टर्न नहीं कर सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चलिए।